मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर का आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार और फेरबदल किया। जितना बड़ा ये विस्तार रहा उससे भी बड़ा ये फेरबदल रहा, क्योंकि कई दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी हो गई और कई नए मंत्रियों की एंट्री हुई है। आज के इस कैबिनेट फेरबदल और विस्तार में किसको क्या मिला और इसके क्या राजनीतिक समीकरण है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ताजा अपडेट्स बता देते हैं। देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे और आईटी मिनिस्ट्री जो अब तक रविशंकर प्रसाद के पास थी उसको रेलवे के साथ मिला दिया गया है। तो देश के रेल और आईटी मिनिस्टर होंगे अश्विनी वैष्णव। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे के बाद सबकी नजरें थी कि मंत्रालय किसके पास जाता है। मनसुख मांडविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे। सबकी नजरें इस पर भी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या मिलता है। सिंधिया देश के नए सिविल एविएशन मंत्री यानी के नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में जो पेट्रोलियम मंत्री अब तक धर्मेंद्र प्रधान संभालते आ रहे थे और देखें 2014 से उनके पास ये मंत्रालय था वो उनसे ले लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को अब देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है और पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार हरदीप सिंह पुरी को दे दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी को प्रोन्नत करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उनके पास शहरी आवास पहले से ही है और उसके अलावा भी जो अब नागरिक उड्डयन हालांकि के पास था वो लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। तो हरदीप पुरी देश के नए पेट्रोलियम मंत्री होंगे। इसके साथ ही दिल्ली से नई दिल्ली सीट से बीजेपी के सांसद मीनाक्षी लेखी देश की विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री होंगी। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता विभाग नया गठन किया है, नए मंत्रालय का गठन किया है, उसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। इसके अलावा जो सूचना प्रसारण मंत्री और देश के नए खेल मंत्री होंगे अनुराग ठाकुर। और इसके अलावा अगर हम बात करें पशुपति पारस की तो उनको फूड प्रोसेसिंग विभाग दिया गया है। मंत्रालयों की किस में मंत्रालयों की सूची में किसको क्या मिला ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज का ये जो फेरबदल और विस्तार रहा है इसके कुछ प्रमुख संदेश आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ संदेश दिया है कि कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो अगर उसका कार्य प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो उसकी छुट्टी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दिया है कि जो बढ़िया काम करते हैं उनको तरक्की मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दिया है कि जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की सिर्फ बात ही नहीं करती, उस सिद्धांत पर भी चलती है। समाज के सभी वर्गों को देश के हर कोने को सरकार में पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है कि यदि किसी मंत्री के कामकाज से जनता नाखुश है और उस मंत्रालय के उस मंत्री के खिलाफ नाराजगी है तो उसका असर पूरी सरकार की छवि पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर कुछ बड़ी बातें हैं आज के इस फेरबदल और विस्तार की। आइए आपको दिखाते हैं जो आज का विस्तार हुआ है उसमें किसको क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में बुधवार को विस्तार और फेरबदल किया गया। इसमें 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है जबकि 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को पदोन्नत कर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 8 नए चेहरों को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए सभी 43 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री के रूप में 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल आरंभ करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल व विस्तार किया है। कैबिनेट मंत्री के रूप में महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य नारायण राणे, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष
व राज्यसभा सदस्य रामचंद्र प्रसाद सिंह, ओडिशा से भाजपा के राज्यसभा सदस्य अश्विनी वैष्णव और लोक जनशक्ति पार्टी के पारस गुट के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने शपथ ली। इनके अलावा किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी और मनसुख भाई मंडाविया ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इन चारों नेताओं को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। रिजिजू इससे पहले युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे और आर के सिंह पहले विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, जबकि हरदीप सिंह पुरी आवासन तथा शहरी विकास और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। मांडविया के पास बंदरगाह, पोत और जलमार्ग परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार था। भाजपा महासचिव व राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य भूपेंद्र यादव ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। जिन राज्य मंत्रियों को पदोन्नत कर सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया गया उनमें पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी और अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हैं। रूपाला इससे पहले कृषि राज्य मंत्री थे, जबकि रेड्डी गृह राज्य मंत्री और अनुराग ठाकुर वित्त राज्य मंत्री थे। राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में उत्तर प्रदेश के मोहन लाल गंज से भाजपा के सांसद पंकज चौधरी, अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल, आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल, कर्नाटक से भाजपा के राज्यसभा सदस्य राजीव चंद्रशेखर, कर्नाटक के ही उडुपी चिकमंगलूर से सांसद शोभा करंदलाजे, उत्तर प्रदेश के जालौन से पांचवीं बार के सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा, गुजरात के सूरत की सांसद दर्शना जरदोष, नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी, झारखंड के कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी, कर्नाटक के चित्रदुर्ग के सांसद ए नारायण स्वामी, उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट, उत्तर प्रदेश के ही खीरी से सांसद अजय मिश्रा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य बी एल वर्मा, गुजरात के खेड़ा से सांसद चौहान देबू सिंह, कर्नाटक के बीदर से सांसद भगवंत खूबा, महाराष्ट्र के भिवंडी से सांसद कपिल पाटिल, पश्चिम त्रिपुरा की सांसद प्रतिमा भौमिक, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से सांसद सुभाष सरकार, महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य भागवत कराड़, मणिपुर के सांसद राजकुमार रंजन सिंह, महाराष्ट्र के ही दिंडोरी से सांसद भारती पवार, ओडिशा के मयूरभंज से सांसद विश्वेश्वर टुडू, पश्चिम बंगाल के बनगांव के सांसद शांतनु ठाकुर, गुजरात के सुरेंद्रनगर से सांसद मुंजापरा महेंद्र भाई, पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार से सांसद जॉन बरला, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष एल मुरुगन और पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार से सांसद निशित प्रमाणिक शामिल हैं। इनमें से मुरुगन और सोनोवाल ऐसे नेता हैं जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य अभी नहीं हैं। इससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष कुमार गंगवार सहित 12 मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। इनके अलावा थावरचंद गहलोत, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, प्रतापचंद सारंगी और देवोश्री चौधरी ने भी अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन सभी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उधर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हुए विस्तार में उत्तर प्रदेश के जिन 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है उनके चयन में जातिगत समीकरण को साधते हुए अगले वर्ष के शुरू में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है। राज्य से जो नए केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं उनमें से 3 का संबंध पिछड़े वर्ग, 3 का दलित समूह से है, जबकि 1 ब्राह्मण समुदाय से है। हालांकि इन 7 चेहरों में से केवल 1 सहयोगी दल का है और शेष भाजपा के ही सांसद हैं। मोदी मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए मंत्रियों में महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से भाजपा से 6ठी बार चुने गए पंकज चौधरी और मिर्जापुर से भाजपा की सहयोगी अपना दल एस से दूसरी बार की सांसद अनुप्रिया पटेल पिछड़े वर्ग के कुर्मी समाज से हैं, जबकि बदायूं निवासी राज्यसभा सदस्य बी एल वर्मा पिछड़े वर्ग के लोधी राजपूत हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में आगरा से भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह बघेल, धनगर जालौन के सांसद भानु प्रताप वर्मा कोरी और लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के सांसद कौशल किशोर पासी समाज से आते हैं। इनके अलावा लखीमपुर खीरी से दूसरी बार के सांसद अजय कुमार ब्राह्मण समाज से हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधान परिषद सदस्य गोविंद नारायण शुक्ल ने इस मुद्दे पर कहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार से उत्तर प्रदेश को विशेष महत्व के साथ समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिला है और ये सभी संगठन के अनुभवी लोग हैं। उत्तर प्रदेश कोटे से शामिल किए गए मंत्रियों में सिर्फ अनुप्रिया पटेल सहयोगी अपना दल एस की हैं, जबकि बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं।
पंकज चौधरी को केंद्र में संतोष गंगवार के इस्तीफा देने के बाद मौका मिला है, क्योंकि गंगवार भी कुर्मी समाज के हैं। ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश में यादव समाज के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में कुर्मी बिरादरी की मजबूत भागीदारी है। कोरोना महामारी के दौरान देश में इसके मामले बढ़ने के दौरान संतोष गंगवार ने एक बार राज्य सरकार के महामारी प्रबंधन को लेकर सवाल भी उठाए थे। महाराजगंज से 6 बार के सांसद पंकज चौधरी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर क्षेत्र से हैं और गोरखपुर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, वहीं सहयोगी अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी क्षेत्र से जुड़ी हैं। राजनीतिक समीक्षकों की दलील है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कुर्मी समाज से ही आते हैं, और चूंकि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने भी अपनी राज्य इकाई की कमान कुर्मी समाज के नरेश उत्तम पटेल के ही हाथों में सौंपी है, इसलिए यह बिरादरी भाजपा और सपा की विशेष प्राथमिकता में आ गई है। हाल के दिनों में दूसरे दलों के कई कुर्मी नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है, जबकि दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और सुषमा पटेल जैसे कुर्मी समाज के कई नेताओं को दल से निष्कासित कर दिया, तो विशेष रूप से इस वर्ग पर भाजपा और सपा की नज़रें टिकी हुई हैं। हाल ही में कुर्मी समाज से ही आने वाली बहराइच जिले की भाजपा विधायक माधुरी वर्मा के पति पूर्व विधायक दिलीप वर्मा भी भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों में लोधी समाज का भी प्रभाव कम नहीं है। लोधी समाज से आने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह इन दिनों अस्वस्थ हैं। हालांकि राज्य सरकार में उनके पौत्र संदीप सिंह मंत्री हैं, जबकि पुत्र राजवीर सिंह एटा के सांसद हैं। भाजपा ने संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके राज्यसभा सदस्य बीएल वर्मा को मौका दिया है, क्योंकि बीएल वर्मा भी लोध समाज में अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम क्षेत्र के भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा ने कल्याण सिंह के विकल्प के तौर पर बीएल वर्मा को हमेशा बढ़ावा दिया और मंत्रिपरिषद में भी उन्हें इसी इरादे से मौका दिया गया है। सांसद सत्यपाल सिंह बघेल इस बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आगरा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद चुने गए। इसके पहले वह 2017 में फिरोजाबाद की टुंडला सीट से विधानसभा के लिए चुने गए और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। बघेल इससे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में भी रह चुके हैं। वामपंथी पृष्ठभूमि से शुरुआती राजनीति करने वाले पासी समाज के कौशल किशोर लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र से भाजपा से दूसरी बार सांसद हैं और पार्टी ने उन्हें दूसरी बार राज्य में अनुसूचित मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया है। राज्य में गैर जाटव दलितों में पासी समाज की अच्छी तादाद है। इसी तरह जालौन के भाजपा सांसद भानु प्रताप वर्मा अनुसूचित वर्ग के कोरी समाज से आते हैं। भानु प्रताप वर्मा कानपुर बुंदेलखंड के प्रतिनिधित्व के तौर पर भी एक प्रमुख चेहरा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दलित चेहरों में पासी, कोरी और धनगर को मौका देकर भाजपा ने गैर जाटवों को महत्व देने का संदेश दिया है। कांग्रेस से ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें मंत्रिपरिषद में लिए जाने की अटकलें थीं, लेकिन तराई पट्टी के लखीमपुर खीरी क्षेत्र से भाजपा के दूसरी बार के सांसद अजय कुमार मिश्र टेनी के मंत्री बनाए जाने से एक दूसरा संदेश गया है। अजय कुमार पार्टी के कैडर बेस कार्यकर्ता माने जाते हैं और भाजपा के ही एक पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी ने अपने कैडर बेस कार्यकर्ता को महत्व देकर ब्राह्मणों के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी महत्व दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिपरिषद विस्तार में मंत्री बनने वाले कुल 43 नेताओं में 32 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभाएंगे। ऐसे नेताओं में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, जदयू के अध्यक्ष RCP सिंह, भाजपा के महामंत्री भूपेंद्र यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के पारस कूट के नेता पशुपति कुमार पारस प्रमुख हैं। कभी शिवसेना के बड़े नेता रहे नारायण राणे 1999 में करीब 9 महीने तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। बाद में वह कांग्रेस में शामिल हुए और महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री रहे। साल 2017 में वह भाजपा में शामिल हुए और कुछ समय बाद राज्यसभा के सदस्य बने। वह पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं। जदयू के अध्यक्ष RCP सिंह भी पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं। राज्यसभा सदस्य RCP सिंह अपनी पार्टी के कोटे से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इकलौते सदस्य हैं। पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे RCP सिंह कुछ महीने पहले ही जदयू के अध्यक्ष बने थे। भाजपा के कद्दावर नेता और पार्टी की चुनावी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भूपेंद्र यादव भी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। वह पेशे से वकील हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं।
लोजपा पारस गुट के नेता पशुपति पारस भी पहली बार केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हुए हैं। इससे पहले उनके भाई रामविलास पासवान मोदी सरकार में मंत्री थे, जिनका पिछले साल निधन हो गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे अश्विनी वैष्णव भी पहली बार मंत्री बने हैं। वह ओडिशा से राज्यसभा के सदस्य हैं। इनके अलावा एसपी सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा कारंदलाजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना जारदोश, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, कौशल किशोर, बीएल वर्मा, अजय भट्ट, अजय कुमार चौहान, देवू सिंह, भगवंत खूबा, भारती पवार, पंकज चौधरी, शांतनु ठाकुर, मुंजपारा महेंद्र भाई, एल मुरुगन, निशित प्रमाणिक, ए नारायण स्वामी, कपिल पाटिल, राजकुमार रंजन सिंह, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भागवत कराड़, विश्वेश्वर टुडू और जॉन बारला भी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। जिन मंत्रियों ने बुधवार को शपथ ली उनमें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू, आर के सिंह, हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर और अनुप्रिया पटेल ही ऐसे मंत्री हैं जो पहले भी केंद्रीय मंत्री के दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं।